आज का सुसंस्कार आपको टेम्परेरी परमानेंट में से क्या चाहिए ये चयन आपको करना है कि आपका जीवन टेम्परेरी होना चाहिए परमानेंट होना चाहिए, आपको किराए का टेम्परेरी मकान चाहिए या घर का परमानेंट मकान चाहिए, आपको जो है रिलेशंस परमानेंट चाहिए या टेम्परेरी चाहिए। तो जब आप ये निर्णय कर लेते हैं कि मुझे तो परमानेंट चाहिए, तो हम बताना चाहते हैं कि दुनिया में परमानेंट चीज एक ही है, वह आपके भीतर है, वह आपकी चेतना है और वो अनादि अनंत काल से आपके साथ है, एक क्षण भी कभी अलग नहीं हुई और वह अनादि अनंत काल से एक जैसी ही, उसमें कोई भी रद्दो बदल 0.001% भी नहीं आया है। परमानेंट है, सुखदाई है, आप स्वयं हो, आपके साथ रहती है, कभी धोखा नहीं देती, स्थाई है, चेतन है, अशरीरी है और शाश्वत सुख वाली है, उसके कोई दुख आता ही नहीं है। तो आपको ऐसी चीज लीजिए ना, वो हम आपको सनातन सत्य के माध्यम से देना चाहते हैं कि हमारे, हम ये कहना चाहते हैं सनातन सत्य क्या कहता है, आप एक सर्किल खींचो, सर्किल के अंदर जो सेंटर होता है उसमें अपनी आत्मा प्रभु ईश्वर कॉन्शियसनेस, इसके 23 नाम अलग अलग धार्मिक ग्रंथों ने बताए हैं और आप खुद हो, उसके अंदर रखो। और परिधि में टेम्परेरी चीजें हैं क्योंकि दोनों का जोड़ा है, दोनों अकेले नहीं रह सकते हैं। आत्मा है यानी केंद्र है तो परिधि है, परिधि में हमारा घर परिवार धन संपत्ति और जो हमारे रिश्ते नाते और हमारे संबंध पद प्रतिष्ठा आदि उसके अंदर रहते हैं, तो वो टेम्परेरी है, वो नाशवान है, वो जड़ है। तो आप सिलेक्शन कीजिए, दोनों साथ रहेंगे, आपका झुकाव केंद्र की तरफ हो।